उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले एक और राजनीतिक दल की एंट्री हो गई है। साल 2017 में योगी सरकार के आने के बाद डीजीपी बनाए गए सुलखान सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई है। उनकी पार्टी का नाम है बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी। सुलखान सिंह ने राजनीतिक पार्टी की शुरुआत बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाए जाने के मुद्दे और की मांग को लेकर की है। इसके लिए उन्होंने बकायदा इसका गठन किया है। बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी गठित होने के बाद सुलखान सिंह पहली बार मीडिया के सामने आए तो उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। यूपी के बांदा में आयोजित हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने बुंदेलखंड और राज्य में 15 जिले शामिल करने की मांग भी उठाई है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में इन जिलों से पार्टी के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। भाजपा ने जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग किया है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। जो विपक्ष के नेता हैं वो भी ईडी सीबीआई के रडार पे रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष से जुड़ जाते हैं, सीबीआई ईडी के रडार से वो नेता बाहर चले जाते हैं। इसलिए पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जिस तरीके से नेशनल हेरल्ड के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, ये विपक्ष के दूसरे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, वो राजनीति से प्रेरित है। और जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी के इस गैर कानूनी कामों का जवाब जरूर देने का काम करेगी।